करता हूँ, हजरत अबुल हसन खरकानी एक बुजुर्ग गुजरे, ये हजरत बायजीद बुस्तामी के सजादा नशीन थे। बू अली सीना साइंसदान है बहुत बड़ा, वो हजरत अबुल हसन खरकानी का मुरीद था, तो है मेरी बात पर, साइंसदान बैत था। और महमूद गजनवी वाली हिंदुस्तान, वो भी हजरत सैयदना अबुल हसन खरकानी की बैत था। इतने बड़े आदमी थे, अपना जुब्बा दिया महमूद गजनवी को, जब मुश्किल आई तो दुआ मांगना आगे रख के अल्लाह फतह दे देगा। तो महमूद कहते हैं जब सोमनाथ के मंदिर नहीं फतह हो रहे थे तो मैंने बाबे का जुब्बा सामने रख के दुआ की तो अल्लाह ने मुझे फतह दे दी। कहते हैं बाबा जी रात ख्वाब में मिले तो कहने लगे तूने क्या कीमत डाली मेरे जुब्बे की, एक फतह। कहा हुजूर क्या मतलब, फरमाने लगे तो मेरा जुब्बा सामने रख के दुआ करता कि या अल्लाह हिंदुस्तान के सारे काफिर मुसलमान हो जाए तो अल्लाह ने तौफीक ईमान दे देनी। ये तूने क्या दुआ मांगी है, पर दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन में छोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें, ये क्या बात कर दी, एक फतह। बहरहाल बहुत बड़े बाबा जी थे। और जो तीसरी मैंने तावील बयान की थी ना कि इनके बुजुर्गों की तालीमात कुरान और सुन्नत के बिल्कुल मुनाफी हैं, इस पर भी मैं बोलता हूं कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे थे शाही कोई नहीं, ये बिल्कुल अपने ही दीन को बयान करते हैं। कहते हैं अब्दुल कादर जिलानी का एक मुरीद था, हा उसने लोटे की टूटी की बिला रुख नहीं रखी, उनको गुस्सा आया, जिलानी नजरों से देखा, जला के राख कर दिया। अंदाजा करो जो बेचारा मुरीद इसलिए हुआ था अपना ईमान बचाऊंगा, ईमान भी खराब करके मरा, जान उनके नजदीक तो ईमान खराब है, तौबा तो करा लेते उसको मारने से पहले, किड्डी बड़ी गलती है। एक अगर वाकया सही है तो अज के जमाने च होवे तो मैं 302 लवावांगा तुहाडे बाबे उते, उसने बगैर वजह से एक बंदा मारता है, ये को वजह किस आयत हदीस में लिखा है कि लोटे की टूटी किबला रुख ना हो तो आप बंदा कत्ल कर दो। हाय आपके बुजुर्गों को कुरान हदीस में नहीं आता था। कहते हैं फिर दोबारा उन्होंने लोटे की तरफ देखा तो उसकी टूटी सीधी कर दी, तो मैंने कहा पहले ही लोटे की तरफ देख लेते बंदा बच जाता। अब इसके मुकाबले पे हमारा इमाम देखो, बुखारी मुस्लिम हदीस है, अनस इब्न मालिक कहते हैं मैंने 10 साल हुजूर को वजू करवाया, मैं 10 साल का बच्चा था, मेरी मां छोड़ गई खिदमत के लिए, और फिर मैं 10 साल हुजूर की खिदमत में रहा, हुजूर मुझे काम से भेजते थे तो मैं छोटा सा बच्चा था, मैं बच्चों में जाके खेलना शुरू कर देता था और भूल जाता था, और कभी नबी इस्लाम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था तो आप आते और मेरे बिल्कुल पीछे खड़े होके मुझे यूं करके पकड़ते, कभी मेरे कान पे हाथ रखते, कान खींचते भी नहीं, और कहते उनैस, यानी ये प्यार से उस नाम को ना, जिस हम छोटे बच्चे को यानी प्यार से थोड़ा सा उसका नाम लंबा करके लेते हैं, उनैस मैंने तुम्हें उस काम से भेजा था, अच्छा यार सुल्ला जाता हूं। फरमाया कि 10 सालों में कभी हुजूर ने मुझे ना डांटा ना मारा ना पीटा ना कभी ये कहा कि ये क्यों किया ये क्यों नहीं किया, यानी अगर मुझसे कोई नुकसान भी हो गया, कोई बर्तन टूट गया, कभी नहीं डांटा। और तुम्हारे बुजुर्ग, तुम लोग दावा करते हो कि ये नबी के तरीके पे हैं, ये मुरीद जलाते हैं, इनमें तो 302 लगनी चाहिए। और ये वाकयात लिखे हैं इन्होंने किताबों में, बापा जानी ने बकायदा अब्दुल कादर जिलानी की शान में किताब लिखी है, उसमें ये वाकया लिखा है, ना समझो मैं कोलू पाता है, ये भाई क्या इलाकी इबारत है, और सब कुछ इलाकी है, कुल्ला मुहदसतिन बिदअ व कुल्ला बिदअतिन दलाला व कुल्ला दलालतिन फिन्नार, वो ये इलाकी हुजूर ने कहा था जो भी दीन में दाखिल करोगे ना वो बिदअत ही है। तुम कहोगे जी अबुल हसन खरकानी का कुर्ता था महमूद गजनवी के पास और बाबा ख्वाब में आया कि जी 16 हमले किए ने तू तो फतह नहीं हुई, तो अब मेरा कुर्ता लेके दुआ कर तो फतह हो जाएगी, और फतह हो गई तो अगले दिन बाबा फिर आ गया ख्वाब में। और ये वाकया तज़किरतुल औलिया में लिखा हुआ है, ये अबुल हसन खरकानी जो है बायजीद का मुरीद है, वो भी कब्र पे जाके, तो बाबा नाराज, बाबा कहना जी तुमने मेरे कुर्ते की कीमत ही बड़ी खराब लगाई, अगर तुम कहते ना कि हिंद की सरजमीन में क्यामत तक कोई काफर ना रहता तो मेरे कुर्ते में इतनी ताकत थी कि अल्लाह ताला सबको ईमान की दौलत दे देता। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह दे वो बंदे हो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का वो कुर्ता मुबारक जिसके बारे में मुस्लिम शरीफ में हदीस है, वो काला जुब्बा किसरवानी 43 जिसका धोवन साहबा इकराम शिफा के तौर पर लेते थे, वो जुब्बा हुजूर जब खुद पहन के चलते थे तो अबू जहल ने उसको देख के कलमा नहीं पढ़ा, और साहबा इकराम ने जंगे यरमूक और कादसिया में हुजूर का कुर्ता नहीं आगे पेश किया कि या अल्लाह बाद में अबुल हसन खरकानी के कुर्ते से फतह होगी, ये तो तेरे नबी का कुर्ता है, अगर बाबे का कुर्ता पूरी हिंद की सरजमीन से कुफर खत्म कर सकता है तो मेरे नबी का कुर्ता तो पूरे कायनात से कुफर खत्म कर सकता था, ले लो बाबे अपने, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। और तो मैं बोलना क्यों ना बोला, उन्होंने बोला कि ना बोला